सब्सक्राइब करें निवेश रक्षा चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। What's up guys, this is Nivesh Saxena, welcome back to my channel. So guys, मेरे पास ये Chevrolet Beat है और जिसमें ये सर्विस लाइट जलती ही रहती है और इसकी जो बेसिकली मेन प्रॉब्लम है वो क्लच रिलीज बेयरिंग है जिसका हमने काम करा लिया है पर ये वाली लाइट अभी तक गई नहीं है। तो मे भी हो सकता है हमने स्कैनिंग नहीं कराई है तो उसकी वजह से होता है, तो हो सकता है मैनुअल भी हम लोग कर सकते हैं अगर आपके वो OBD स्कैनर हो या ELM 325 ऐसे इन नंबर से कुछ आता है, 400-500 रुपए का डिवाइस आता है, वो भी आप लगा के उससे भी क्लियर कर सकते हैं। और मैनुअली कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, जो चाबी है उससे ही सारा काम आएगा। ये पहले मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, गाड़ी को पहले ऑन ऑफ करेंगे। ये गाड़ी की चाबी हमने निकाल ली, एक बार इसको लगाएंगे और ऑफ कर देंगे, फिर लगाएंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, और चेक कर लेते हैं अभी लाइट गई है नहीं गई। तो आप देख सकते हैं लाइट अभी तक नहीं गई है। तो अभी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ऑन ऑफ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा सेटिंग सही से कर लूं। चार पांच बार करना है जल्दी जल्दी। तो ये पांचवी बार भी हो गया है पर लाइट अभी तक नहीं गई है, तो इट मीन्स जो फॉल्ट है वो अभी तक एज इट इज क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, जो बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव पॉइंट है उसको हम निकाल लेंगे। इसको एक बार और ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। तो ये चार पांच बार एक बार और दोहरा के देख लेते हैं कि इससे कुछ क्लियर होता है नहीं होता है। तो लाइट अभी तक एज इट इज है, गई नहीं है, इग्निशन ऑन करने पे ही पता लग जाता है। तो ये देख सकते हैं ये जो सर्विस लाइट है अभी तक जली रही है, तो ये फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जो बैटरी का टर्मिनल होता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव उसको लगे रह देंगे, नेगेटिव वाले को 30 मिनट तक निकाल के छोड़ देंगे। हमारे को 10 नंबर की चाबी लेनी है, पाना कोटी जिसको बोलते हैं, और 10 नंबर की लगती है, इससे हम नेगेटिव पॉइंट को 30 मिनट के लिए निकाल देंगे। अब हम 30 मिनट बाद चेक करते हैं कि इसमें लाइट रहती है नहीं रहती है। हो चुके हैं 30 मिनट्स और हम इसको नेगेटिव पॉइंट को एक बार लगा लेते हैं और कस लेते हैं इसको ढंग से, और फिर चेक करते हैं लाइट गई है या नहीं गई। टर्मिनल आप देख सकते हैं ढंग से कनेक्ट हो चुका है, और एक बार देख लेते हैं लाइट गई है या नहीं गई। ये लगी चाबी, इसको मैं निकालता हूँ, इसको लगा के ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं लाइट अभी तक नहीं गई है, सारे प्रोसेस मैंने करके देख लिए, और अब इसको जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसको स्कैन करा के ही इसके फॉल्ट जो होते हैं कोड्स वो कैंसिल कराने पड़ेंगे, क्योंकि काम जो था वो बेसिकली हो चुका है, क्लच सिलेंडर का कुछ काम था तो वो काम हो चुका है, उसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको सारे डिटेल देता रहूंगा। सो हाँ जी गाइज, तो
हुआ क्या है कि जो ये लाइट जल रही है, मैं अभी आया हूँ गो मैकेनिक से, मैंने बुकिंग कर ली है, गाड़ी को स्कैन कराना पड़ रहा है। तो मैं आया हूँ गुड़गांव में ही है और ओल्ड दिल्ली रोड पे है, और जिसका मतलब गो मैकेनिक का ये 3M ऑटोमोटिव कुछ नाम से है वर्कशॉप। और यहाँ देखते हैं, स्कैनिंग करा के देखते हैं क्या और कुछ प्रॉब्लम निकलती है, क्योंकि काम जो था वो तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे पूरा अच्छा खासा सर्विस सेंटर है और भी गाड़ियाँ यहाँ पे सर्विस हो रही हैं, ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड आ रखे हैं, मारुति वारुति सब है, हुंडई भी है। तो गो मैकेनिक की भी सर्विस आज चेक करेंगे कि मतलब किस तरीके से काम कर देते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको एक बार वर्कशॉप भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, इस टाइप का कुछ वर्कशॉप है, सामने आप देख रखे पेंट बूथ वगैरह भी है, अगर प्रोफेशनल आप पेंटिंग वगैरह कुछ कराते हैं तो सही है। गो मैकेनिक का ही है यहाँ पे सर्विस सेंटर। तो चेक करवाएंगे ये लाइट क्यों ग्लो हो रही है, इसके कई रीजन होते हैं और साल भर से तो आ ही रही है, और जो मेन काम था वो तो करा ही लिया था, पर फिर भी आ ही रही है। तो ये है मेरी गाड़ी शेवरले बीट। सो गाइज, अगर आपको ये गियर नॉब में दिक्कत आ रही है तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो आप गियर नॉब कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी मैंने डाला हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको एक बार स्कैनिंग के बाद दिखाता हूँ कि क्या इसमें माल फंक्शन निकल के आया। सो गाइज, गो मैकेनिक पे मैंने गाड़ी चेक करा ली है और अब जाना पड़ रहा है मुझे दिल्ली, मायापुरी जा रहा हूँ मैं, और पार्ट में सेकेंड हैंड डालूंगा क्योंकि गाड़ी काफी पुरानी है और सेकंड हैंड एक भरोसे का बंदा है मेरे पास, जो मेरे को ऐसी जो गाड़ियां हैं बीट हो गई, शेवरले की सेल, जो गाड़ी बंद हो चुकी हैं उनके भी मेरे को पार्ट्स अवेलेबल करा देता है और विद इन द वारंटी भी करा लेता है, वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये लाइट जो जल रही है, सो गाइज, जो पहले काम कराया था वो तो कैंसिल हो गया था जिसका एरर आ रहा था फॉल्ट, तो अभी जो ये एरर मेरे को दिखा रहा है फ्यूल टेम्परेचर असेंबली का दिखा रहा है, जो अपना टैंक के पास होती है, मैं आपको स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा वो एरर कौन सा आ रहा था। तो अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली मायापुरी, मेरे यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता होगा, तो आधा घंटा वर्थ है, तो मेरे को लगभग 1500 या 1800 में सारा काम हो जाएगा, नहीं तो मेरे को 5000 रुपये देने पड़ जाएंगे अगर मैं कंपनी में गया तो। सो बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस एरर, जो मेरे एरर शो कर दिया है, अगर ये एरर आपकी बीट में भी आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये लाइट काफी टाइम से आ रही है और जा नहीं रही है, ये लाइट आ रही है तो कुछ ना कुछ होता ही है, फॉल्ट होगा। तो जो फ्यूल असेंबली है उसमें टेम्परेचर सेंसर बता रहा है, हाई वोल्टेज आ रहा है पीछे से, तो वो टेम्परेचर सेंसर का मतलब यही है कि सेंसर या तो खराब हो गया है, कुछ तो चक्कर है, तो आप कराएंगे उसको चेंज। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं मायापुरी, और मायापुरी में जो पार्ट मैंने उसको बोल दिया था निकालने का, तो उसने निकाल के रख दिया और उसने बोला कि मैं आपको 1 से 1.5 घंटे अंदर गाड़ी वापस भी कर दूंगा तैयार करके। तो आप देख सकते हैं टायर की जो राइट साइड है, टायर का राइट साइड, उसके नीचे आप देखेंगे टैंक के पास बिल्कुल लगा हुआ है, तो ये भाई जो है ये लगे हुए हैं और पूरा चेंज कर रहे हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरी मार्केट है, तो अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो जहाँ से मेरे को पार्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँगा एड्रेस नंबर वगैरह सब दे दूँगा। तो जो फिल्टर असेंबली है वो चेंज हो रही है, तो ये भाई कर रहे हैं। तो गाइज, फ्यूल फिल्टर असेंबली मैंने चेंज करा ली है और वो लाइट भी चली गई है, और गाइज ये पार्ट सेकेंड हैंड है, तो सेकेंड हैंड का मतलब ये नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, जेनुअन है, जेनुअन मैंने डलवाया है, तो वो जो लाइट ग्लो हो रही थी वो भी चली गई है। तो अभी ये इस टाइप का कुछ असेंबली होती है, फ्यूल फिल्टर असेंबली, डीजल फिल्टर जहाँ पर लगता है वो है, इसकी वजह से ही जो लाइट ग्लो हो रही थी इसका सेंसर ख़राब हो गया था। तो ये आप देखेंगे तो इसमें लाइट चली गई है। इस कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि गाइज बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बीट यूज़र हूँ और भाई इस गाड़ी से पैर हटाने का बिल्कुल मन नहीं करता, ना इसको बेचने का मन करता। तो गाइज ऐसे कई सारे फॉल्ट, जनरल फॉल्ट होते हैं जो हमारे को पता भी नहीं होते हैं, तो बस स्कैनिंग मैंने कराई तो ये सारी लाइट वाइट चली गई है। और गो मैकेनिक पे क्या एक्सपीरियंस में क्या बताऊँ, मैंने उनको बोला आप मेरे को नया दे दो,
पर नया उनके पास, वो कह रहे हैं हमारे, हमने 3-4 जगह पता कर लिया, अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबल नहीं था तो भाई मैंने तो अपना जुगाड़ फिट करना ही था। तो गाइज मैंने अपने बंदे को फ़ोन कर लिया था, तो मायापुरी में उसका ये स्क्रैप का काम है, तो बीट वीट शेवलेट गाड़ियाँ आजकल बहुत कट रही हैं, तो मैं अभी ये रखना चाहता हूँ गाड़ी, तो इसलिए मैंने उसको फ़ोन किया। तो उसने बोला कि अवेलेबल है, आप आ जाइए और आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ इसको पूरा कराने में मेरा टोटल खर्चा आया अराउंड 1700-1800 रुपये में मेरा सारा काम हो गया। और डीज़ल वीजल वो अपना लगा लो यार, क्योंकि मेरे घर से तो ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैक्सिमम 10-15 किलोमीटर होगा, तो मैं आधे घंटे में पहुंच गया था। तो गाइज़ ज़रूर आप वीडियो को लाइक करके जाना, और लाइक करने से ही गाइज एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।